24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुई थी। तब से सेल के हर प्लांट में 24 जनवरी को सेल फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इसी के तहत आईएसपी के स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट द्वारा बर्नपुर स्टेडियम के सामने सेल फाउंडेशन डे रेस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित थे सीईओ श्री अनिबन दास गुप्ता, ईडीएमएम श्री श्रीकांता, ऑफिशिएटिंग ईडीपी एनडे श्री केवीआर राजू, इनके अलावा अन्य जीएम स्तरीय अधिकारीगण, आईएसपी के पांचों यूनियन तथा आईओए के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सर्वप्रथम सीईओ ने सेल पताका फहराया एवं बलून उड़ाकर कार्यक्रम को शुरू करने का आगाज किया। इसके बाद उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पोर्ट्स विभाग के सभी अधिकारियों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद सीईओ ने झंडे दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस दौड़ में कुल 317 प्रतिभागी क्रमशः 45 से 60 वर्ष के एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉय, क्लास 6 के छात्र छात्री ने 3 किलोमीटर तथा 45 वर्ष के एम्प्लॉय तथा क्लास 7 एवं उसके ऊपर के छात्र छात्री ने 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया था। इसके अलावा इस दिन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, योगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। श्री केवीआर राजू ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करने से लोगों में उत्साह बनी रहती है। सीईओ श्री दास गुप्ता ने कहा, सेल आईएसपी अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है। यहाँ होने वाले उत्पादन में आईएसपी को काफी लाभ मिला है, जिससे यह कहा जा सकता है कि आईएसपी का भविष्य उज्ज्वल होगा। इसके बाद सीईओ ने 16 एग्जीक्यूटिव्स तथा 18 नॉन एग्जीक्यूटिव्स को सीईओ एक्सलेंस अवार्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित किए। इसके अलावा रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सीईओ श्री दास गुप्ता, श्री श्रीकांता, श्री केवीआर राजू तथा अन्य अधिकारियों ने पुरस्कार प्रदान किए। इन सब के अलावा विशेष रूप से सीईओ ने अंडर 19 बंगाल क्रिकेट टीम के कैप्टन श्री अभिजीत भगत को कुछ बिहार एंड विनोमैन के ट्रॉफी अर्जित करने के लिए तथा रवि भूषण यादव को ओपन नेशनल टेक्वांडो में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए सम्मान स्वरूप ट्रॉफी प्रदान की। सीनियर मैनेजर L&A हॉस्पिटैलिटी एंड स्पोर्ट्स श्री प्रदीप कुमार के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम समाप्त हुआ।